तो क्या हमारे गेम में कैट का अपडेट आ चुका है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो आज की वीडियो में फिर से हम लोग इसके मिथबस्टर्स को कंफर्म या बस करने जा रहे हैं। हमारा पहला मिथ ये है कि घोष बाइक के ऊपर से प्लेन को चलाओ फिर मैजिक देखो। तो सबसे पहले हम लोग घोष राइडर बाइक मंगा लेंगे 5555 की चीट कोड से, और उसके बाद हम इन्फिनाइट हेल्थ भी लगा लेंगे 9129 से, क्योंकि अगर घोष राइडर के पास आप जा रहे हो तो आप बिल्कुल भी सेफ नहीं हो, इसलिए इन्फिनाइट हेल्थ मैं पहले ही लगा के रख लेता हूँ। अब हम लोग प्लेन को स्पॉन करेंगे 555 की चीट कोड से। प्लेन आ चुका है तो चलते हैं घोष राइडर के पास, और हमें प्लेन को इसके ऊपर से निकालना है, तो इसको मुझे टेक ऑफ भी देना पड़ेगा। अरे यार, ये प्लेन तो टेढ़ा लग रहा है मुझे, रुको। अरे ये उतर क्यों गया भाई, मैं ब्रेक मार रहा था। ये प्लेन अगर टेढ़ा उड़ जाता तो हमारा ग्लिच होता नहीं, इसलिए पहले इसको मैं सीधा कर लेता हूँ ताकि ये घोष राइडर की तरफ जाए। अब बिल्कुल ही सही है, अब इसके पास जाएंगे और हम लोग टेक ऑफ कर देंगे इसके ऊपर से, ताकि घोष राइडर से प्लेन टच हो जाए। और ये क्या हुआ भाई साहब, मैं कहाँ गया? अरे मैं तो हवा में आ चुका हूँ बिल्कुल ही ऊपर। गाइस ये क्या मस्त ग्लिच है यार, और प्लेन भी हमारा उल्टा उड़ रहा है, और हम लोग जस्ट ऊपर आए। देखो हम लोग गए किस साइड थे, लेकिन उस साइड गए थे दूसरे वाले एंड पे, लेकिन पता नहीं ऊपर आने के बाद हम लोग इस साइड कैसे आ गए, मुझे यही समझ नहीं आ रहा है। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर हम एयरपोर्ट में जाके पार्किंग एरिया के टॉप पॉइंट पर B1 बिल्डिंग को स्पॉन करेंगे और जेट बुलाते हैं तो थोड़ी देर बाद आके जेट खुद ही टकरा के फट जाएगा। तो इधर देखो मैं कहाँ आ चुका हूँ, मैं एयरपोर्ट की बिल्डिंग पे आ चुका हूँ और उसके सबसे टॉप पॉइंट पे, और अब मैं बिल्डिंग को यहाँ पे स्पॉन करूँगा, तो इससे ऊंची चीज़ कोई होगी नहीं, ठीक है। और B1 बिल्डिंग को स्पॉन करेंगे जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी रहती है। अब हम यहाँ पे जेट को स्पॉन करेंगे गाइस। तो RDS टूल में हम लोग लिखेंगे जेट, देखो स्पॉन हो गया है, आवाज़ आएगी, आई फटने की आवाज़ आ रही क्या, बस ये देखते रहना। 3 जेट स्पॉन कर दिए मैंने, ये हो गया चौथा, अब देखते हैं क्या होता है। वैसे मुझे ऊपर चल के देखना चाहिए, ऊपर से मुझे अच्छे से दिखेगा। अभी तक किसी भी जेट के फटने की आवाज़ तो आई नहीं बिल्डिंग से, अब आइए। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि जेट आपस में टकरा गया होगा, बिल्डिंग से टकराया होगा कि नहीं, ये देखना पड़ेगा ऊपर चल के, नीचे से तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और अगर यहाँ पर टकराता ना तो वो जेट की जो बॉडी है वो भी नीचे तो गिरती, लेकिन वो तो मुझे दिख ही नहीं रही, तो मतलब कहीं और जाके फटा है वो। चलो बिल्डिंग के ऊपर चल कर देखते हैं। ये आ गया हूँ मैं बिल्डिंग के ऊपर, अब देखते हैं जेट्स आते हैं क्या। अरे आ रहा है एक, ओ भाई कितने पास से गया ये, लेकिन बिल्डिंग से टकराया नहीं, इसको टकराना तो चाहिए था, लेकिन इतना खतरनाक इसने टर्न ले लिया। फिर से आ रहा है एक और जेट, ये देखो सामने से आ रहा है, और इसने भी बगल में से टर्न ले लिया यार। और जेट की आवाज़ कितनी प्यारी आ रही है गाइस उड़ने की। वो सामने से आ रहा है एक जेट, ये आया बिल्कुल पास, टकराया यार, ये क्या हो रहा है, टकरा कैसे नहीं रहे लोग, बिल्कुल ही पास से टर्न मार दे रहे हैं यार ये देखो फिर से, मतलब कि इनको डिज़ाइन ऐसा किया है गाइस कि ये टकराएंगे ही नहीं बिल्डिंग से, पहले ही मुड़ जाएंगे, गलती से टकरा सकते हैं। तो ये मिथ बस्टेड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर हम एक बिल्डिंग स्पॉन करते हैं और उसके टॉप पे जाते हैं फिर मॉड ऑन करके अगर हम उसको शूट करते हैं तो बिल्डिंग तो गायब हो जाएगी और हम लोग डायरेक्ट इन्फिनिटी फॉल में गिर जाएंगे। तो इसके लिए गाइस पहले मैं जेट पैक मंगा के रख लेता हूँ ताकि हम ऊपर जा पाएंगे ना, इसलिए उसके बाद हम लोग बिल्डिंग मंगाते हैं B1 से। RDS टूल में B1 डालोगे बिल्डिंग आ जाएगी। और कुछ रह गया है क्या? हाँ इन्फिनाइट हेल्थ भी लगा लेता हूँ, क्योंकि हम लोग नीचे भी तो गिरेंगे बिल्डिंग के गायब होने के बाद, तो क्या पता ज़मीन से टकरा जाए, इसलिए भाई सेफ रहने के लिए। तो चलो अब ऊपर चलते हैं। आ चुका हूँ मैं बिल्डिंग के ऊपर, अब हम लोग को मॉड ऑन करना है। वैसे मॉड ऑन शायद मेरा ऑलरेडी ऑन होगा, तब भी एक बार कर देते हैं। ये हो गया, अब पिस्टल निकालेंगे और जैसे हम लोग शूट मारेंगे बिल्डिंग गायब। मैं आया नीचे, देखते हैं क्या हम लोग इन्फिनाइट फॉल में गिरते हैं कि जमीन से टकराते हैं। भाई साहब जमीन से टकरा गया, अच्छा हुआ मैंने इन्फिनाइट हेल्थ लगा के रख ली थी। लेकिन एक और बार चेक कर लेते हैं। टेक टू गाइस, पिस्टल निकाली, शूट करी, नीचे गिरे हम लोग, और देखते क्या होता है, इस बार भी नहीं गए हम लोग वॉइड में। तो ये मिथ बस्टेड है। हमारा अगला मिथ ये कि हम लोग को रेलवे स्टेशन पर जाना है, फिर वहाँ के ट्रैक पर कंटेनर स्पॉन करना है, उसके ऊपर चढ़ना है, ट्रेन को आगे बढ़ाना है फोन से, और फिर कंटेनर को नीचे कर देना है, तो हम लोग ट्रेन पे चल पाएंगे, ठीक है गाइस। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन देखो कंटेनर स्पॉन कर लेना एक RGS टूल से, C1 से हो जाएगा, C2 से हो जाएगा, C5 तक हो जाता है, कंटेनर आ गया। इसको मैंने ट्रेन ट्रैक पे सेट कर दिया, बिल्कुल बराबर सेट करना।
अब चलेंगे इसके ऊपर। उसके लिए हमें चाहिए रहेगा जेट पैक। 330 की चीट कोड से आ जाता है जेट पैक। ऊपर आ गए हैं हम लोग, इन्फिनाइट हेल्थ लगा लेते हैं 9129 से। अगर कुछ भी होता है हम लोग नीचे गिरते हैं तो। मॉडर्न मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है आरडीएस टूल का। अब इंजन चालू करते हैं ट्रेन का, फिर इसको फॉरवर्ड करते हैं। अब ट्रेन आगे बढ़ेगी, अब जैसे ही मेरे नीचे आ जाएगी फिर मैं कंटेनर को नीचे कर दूंगा। अभी नहीं करूंगा, पता चले ट्रेन आई नहीं, अब तो आ गई होगी। ठीक है, देखो ट्रेन के ऊपर आ गए हम लोग। और भाई मैंने कंटेनर नीचे किया, मैं ट्रेन के ऊपर चल पा रहा हूँ। और जैसे ही कंटेनर से बाहर गया तो मैं नीचे गिर गया। इसका मतलब हम लोग कंटेनर के ऊपर चल रहे थे लेकिन ट्रेन के ऊपर भी चल पा रहे थे भाई, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर आप आरडीएस टूल में P1 लिख के उसको स्पॉन करके नाइट मोड करेंगे तो P1 की लाइट जलेगी। ये मिथ मैं पहले ही कर चुका हूँ, तो इसलिए अब हम लोग P1 नहीं करेंगे। अब हम लोग हाउस को चेक करेंगे और बिल्डिंग को चेक करेंगे। तो हाउस के लिए हम लोग लिखेंगे H1। आरडीएस टूल में हाउस आ चुका है गाइस, देखो ये पूरा हाउस है ना, अभी इसकी कोई लाइट नहीं जल रही। नाइट मोड करता हूँ 9 की चीट कोड से और यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी लाइट जल रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा कूल है गाइस। जो हाउस हम स्पॉन कर रहे हैं उसकी भी लाइट जल रही है। अब एक बिल्डिंग स्पॉन करते हैं और देखो इसकी भी पूरी लाइट जल रही है यार। और अब मैं नाइट मोड हटाऊंगा तो इन दोनों की लाइट गायब हो जाएगी, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर हम एक बिल्डिंग मंगाने के बाद उसके ऊपर जाएंगे तो उसके ऊपर एक और बिल्डिंग स्पॉन कर सकते हैं। ये तो मुझे लग रहा है हो जाएगा, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो चीज हो पाएगी? मतलब अगर हम लोग बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग स्पॉन करते जाएं तो गाइस क्या हम लोग चांद तक पहुंच जाएंगे या फिर स्पेस तक पहुंच जाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है? ये हम लोग को यार टेस्ट करना पड़ेगा। तो चलो फिर चलते हैं बिल्डिंग के ऊपर। तो ये आ चुका हूँ मैं बिल्डिंग के ऊपर। अब हमें थोड़ा कोने से बिल्डिंग को स्पॉन करना पड़ेगा ना, वरना अरे नहीं ये क्या हुआ भाई यार, पूरा प्लान फेल हो गया। ठीक है, इस बार हम लोग ज्यादा कोने में नहीं जाएंगे, पिछली बार ज्यादा ही कोने में चला गया। मैंने इस बार इन्फिनाइट हेल्थ भी लगा के रख ली है, तो अब हम लोग एक और बिल्डिंग स्पॉन करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, अब एक और चीज है गाइस, देखो जेट पैक जो है वो एक लिमिट तक ही ऊपर जा पाएगा। क्या पता शायद हम लोग इस बिल्डिंग के ऊपर ही नहीं जा पाए, तो उसके लिए हम लोग को एक चीज करनी पड़ेगी, इस बिल्डिंग के अंदर घुसना पड़ेगा, फिर स्काईफॉल मारना पड़ेगा इसके ऊपर। तो हम लोग सीधा स्काई से इसके ऊपर गिर जाएंगे, ऐसे ही कर करके हम लोग ऊपर जाते जाएंगे। ठीक है, बहुत ऊपर तक जा सकते हैं मेरे हिसाब से। तो अभी देखते हैं कि हम लोग, अरे यार मुझे लग रहा है इसकी लिमिट आ गई। हाँ, तो अब हमें इसके अंदर जाना पड़ेगा और अंदर जाने के लिए शायद ये इलेक्ट्रिक काम आ जाएगी। नहीं ये नहीं आई है। अरे यार ये और नीचे जाएगा क्या भाई? और नीचे मत जाना, ठीक है जगह, हम लोग को कार से जाना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया है मुझे ये करने में, लेकिन फाइनली मैं आ चुका हूँ बिल्डिंग के अंदर, वो भी कार से। तो ये देखो इस बिल्डिंग के अंदर आ गया हूँ मैं। ये बिल्डिंग भी बहुत बड़ी है यार, बहुत दूर तक जा रही है। तो अब हम इसके ऊपर स्काईफॉल मार देंगे और फिर देखना क्या होता है। तो ये देखो मैं करेक्ट उस बिल्डिंग के ऊपर ही गिर रहा हूँ। वैसे दो बिल्डिंग इसलिए आ गई है क्योंकि मैंने एक और बिल्डिंग स्पॉन कर ली थी बगल में, अगर जगह छोटी पड़ जाती तो। तो अब यही प्रोसेस कर करके शायद हम लोग भाई चांद तक पहुंच सकते हैं या स्पेस तक तो जा ही सकते हैं। एक दिक्कत हो गई है, लेकिन मैंने इतनी बिल्डिंग स्पॉन करी और तब भी मैं स्काईफॉल करने के बाद ही नीचे गिर रहा हूँ भाई। तो मैं सोच रहा हूँ कितनी ऊपर होगा स्पेस। तो अगर कोई और कर सकता है तो भाई मुझे जरूर बताना कि आप ये कर सकते हो क्या, और करके जरूर बताना। ये मिथ लेकिन कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि आरजीएस टूल में कैट लिखेंगे तो कैट आ जाएगी। तो हमारे गेम में ऑलरेडी 3 पेट्स हैं, एक डॉग, एक हॉर्स और एक डायनासोर। तो क्या हमारे गेम में कैट का अपडेट आ चुका है? तो ये देखने के लिए हम लोग भाई कैट लिखेंगे आरजीएस टूल में। और जैसे ही मैं कैट लिखता हूँ गाइज, यहाँ पर भाई कुछ भी नहीं हुआ यार। कैट यार मुझे लगता नहीं अभी आई है, लेकिन आ सकती है बहुत जल्द। आपको बस कैट लिखने हैं बहुत सारे कमेंट्स में। तो गाइज ये मिथ बस्टेड है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियोस देखने के लिए। और भाई कमेंट कर देना अपने अपने मिथ्स, ताकि मैं उनको ले लूं अगले मिथ बस्टर्स की वीडियो में। और मेरी पिछली वीडियो देखनी हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।